तो गाइस पीसीएक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एक सीरीज है जिसमें कि आपको मैं बताता हूँ कि आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर में से क्या ऐसे पुराने पार्ट्स हैं, अगर ख़राब हो गया, कुछ हो गया है, उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब यूज़ में ले सकते हैं। आपको लगता है कि पड़ा हुआ यार कुछ काम ही नहीं आएगा अब तो ये, लेकिन मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ उसको यूज़ में लेने का। और कुछ कुछ लैपटॉप वगैरह भी फास्ट चलता है, कैसे है वो सब भी कर चुका हूँ। तो इसके ऊपर सीरीज़ में 3 एपिसोड आ चुके हैं, तो आई बटन में मैं दे दूंगा, आपको जाके देख लीजिएगा तीनों एपिसोड्स। उसके आगे का एपिसोड ये है, 4th एपिसोड, काफ़ी टाइम बाद बन रहा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो पिछले एपिसोड में मैंने क्या किया था कि लैपटॉप ड्राइव निकाल दिया था, काम नहीं आ रहा था, ठीक है। तो लैपटॉप ड्राइव मतलब डीवीडी ड्राइव निकाल तो दिया लैपटॉप से, तो अब इसको यूज़ में लेने का मन है, तो हम ले सकते हैं यूज़ में। जी हाँ, तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो लाल बटन है दबा दीजिए और ग्रे कर दीजिए, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे शेयर भी कर देना अच्छी लगे तो, ठीक है। तो अभी चलते हैं। तो पिछली बार एपिसोड में हमने क्या किया था कि ये लैपटॉप का ये जो डीवीडी ड्राइव होता है, काम तो आता नहीं है आजकल डीवीडी ड्राइव, किसको काम आता है, तो मैंने निकाल दिया। बट पड़ा हुआ है ये, अब मैंने कहा ये पड़ा हुआ है इसका यूज़ आ सकता है क्या, मतलब किसी तरह काम ही आ जाए पड़ा हुआ है। कभी कभार तो डीवीडी चलाने का कोई ना कोई तो काम पड़ ही जाता है यार। जैसे अभी मेरे को क्या हुआ कि विंडोज 7 चाहिए थी मेरे को, पुराना कंप्यूटर है मेरा, तो उसमें वो सीडी थी मेरे पास और मेरे को कहीं फाइल मिल नहीं रही थी, यूएसबी से इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा अब तो इस डीवीडी ड्राइव को चलाना पड़ेगा। तो कैसे चलाऊँ, तो मेरे को मिला ये है एक केबल जो आपके इस लैपटॉप के डीवीडी ड्राइव को बना देगी यूएसबी। मतलब आप डायरेक्ट इसको यूएसबी में कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के साथ और जो डीवीडी चलानी चलाइए, और एकदम नॉर्मल जैसे डीवीडी ड्राइव होता है वैसे ही कनेक्ट होता है। तो चलो देखते हैं। तो गाइस आपके पास भी ऐसा ही कोई डीवीडी ड्राइव होगा अगर आपने कभी एसएसडी अपग्रेड किया है अपने लैपटॉप में, तो ये एक केबल आती है जो कि आपके डीवीडी ड्राइव को एक यूएसबी में कन्वर्ट कर देती है। ये केबल आती है अराउंड 300 रुपीज़, अगर आप लोकल ख़रीदने जाएंगे, मतलब एज इन लोकल तो आती है, इसमें कोई ब्रांड ब्रांड नहीं होता, लोकल एज इन मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोकल शॉप से लेंगे तो आपको शायद से 250 और उससे सस्ती मिल जाए, बट अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन का प्राइस यही है 300 रुपये के आसपास, ठीक है। तो आपको सिंपली इसके पीछे पोर्ट्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं ये एज इट इज़ पूरा डिज़ाइन देखिए पूरा मैच हो जाएगा, स्क्रूज भी टाइट हो जाएंगे, देखिए यहाँ छेद है, यहाँ पे भी छेद है, इसको आराम से लगा दीजिए। दैट्स इट गाइज, आपका यूएसबी डीवीडी ड्राइव रेडी है, जो कि आपके अब घर में पड़ा हुआ होगा शायद से वेस्ट। तो अभी बस हम प्लग कर देते हैं इसको, ये देख सकते हैं इसमें ग्रीन लाइट जल गई है और हमारा डीवीडी ड्राइव भी चलने लग गया है। और मैं आपको यहाँ पे सीडी निकाल के दिखाता हूँ, देख सकते हैं गाइज इसके अंदर सीडी है, विंडोज 7 होम प्रीमियम मेरे लैपटॉप के साथ आई थी, ये मैंने डाल दी इसके अंदर और बहुत तेज़ घूमता है, इसलिए इसको ट्राई कीजिए एक जगह पे रख दीजिए, उसके बाद मत छेड़िएगा, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे तो सीडी ऊपर नीचे होती है जिससे सेंसर वेंसर खराब हो सकता है, अंदर का मैकेनिज्म खराब हो सकता है। और गाइज इस लैपटॉप डीवीडी ड्राइव का केस भी आता है लेकिन वो 900-1000 रुपये के आसपास आता है, तो काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए लोग खरीदते नहीं है, इसलिए स्टॉक मिलता भी नहीं आपको इजिली। तो उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये हैक अच्छा लगा। सो अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं, क्या पता आपकी कोई पुरानी चीज काम ही आ जाए, तो जल्दी से जाके जरूर देख लेना। सो अभी मैं चलता हूँ, आपसे अलविदा लेता हूँ, लेकिन लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए मैंने, एक शॉपी का भी दे दिया जहाँ से आपको थोड़ी तार सस्ती पड़ जाएगी, और अमेजोन का भी दे दिया है अगर आपको अमेजोन से मंगाना है तो वहाँ से भी मंगा सकते हो। दैट इज दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।